हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताओ ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग, अगर किसी टावर की शेडो इंक्रीज हो रही है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ये बात हमें चेक करने की ट्रू है या फॉल्स है। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा टावर है, यहाँ पे सन है। देखो, सन की जो लाइट है वो इस टावर पे पड़ती है, तो यहाँ पर उसकी शेडो बनती है। ये इसकी शेडो होती है, ये हाइट होती है। जितना ऊंचा सूरज होता है उतनी लेंथ ऑफ शेडो छोटी होती है। जितना सूरज नीचे होता है, ठीक है, नीचे की तरफ बनेगा, उतनी ही शेडो की लंबाई ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। और इसको एक बात और समझ सकते हैं हम कि जैसे कि कुतुब मीनार होता है, ठीक है, हम उसके जितना नज़दीक होते हैं हमें उसको गर्दन को ऊपर करके देखना पड़ता है। जितना गर्दन ऊंची करेंगे तो हमारी आंखों का जो एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। लेकिन अगर उसी कुतुब मीनार से हम दूर रह जाएंगे, ठीक है, अब मेरी जो आंखों का एंगल बनेगा वो पहले के मुकाबले में छोटा बनेगा। इमेजिन करते हैं कि यहाँ पहले एंगल बन रहा था 60 डिग्री। जिस चीज़ से हम जितना दूर होंगे हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर है? जितना नज़दीक होगा, आप सिंपल सा अपने खुद पे घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि दीवार के नज़दीक खड़े होते हैं तो गर्दन को ऊंचा करके देखना पड़ता है, जिससे हमारा एंगल आंखों का क्या होता है, बड़ा बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जितना उससे दूर होते रहते हैं हमें गर्दन को उतना ऊंचा नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनता है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि जैसे कि ये हमारा टावर है, ये हमारा सन है, ठीक, सन अभी ऊंचा है, तो अब इसकी जो लेंथ ऑफ शेडो होगी, ठीक है, अब इस पर जो लाइट पड़ेगी सूरज की वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल मैं मान लेता हूं एंगल ए है। क्लियर है? सूरज अभी ऊंचाई पे, एंगल ये होगा मेरा। अब सूरज थोड़ा सा नीचे आ गया, जैसे जैसे देखते हैं हम दोपहर के अंदर सूरज ऊपर चढ़ता रहता है, शाम होने के साथ साथ नीचे नीचे ढलता रहता है वो। अब इसकी जो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी टावर पे, तो अब इसकी जो लेंथ ऑफ शेडो होगी वो कुछ यहाँ पे बनेगी, ये एंगल हो जाएगा मेरा बी। इसी तरीके से सूरज अब थोड़ा और नीचे आ गया, अब इसकी लेंथ ऑफ शेडो बनाएगी वो यहाँ पर होगी। ठीक, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जो चीज़ की जितनी नज़दीक होगा उसका एंगल बड़ा होगा, दूर होगी एंगल और छोटा होगा, और दूर होगी एंगल उसका और छोटा होता चला जाएगा। तो यानी कि जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है सन का बनने के साथ में, वो रिलेशन होता है इसके परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। ठीक है, सन का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है इसके परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर में बेस का डिवाइड कर देने पे मेरा एंगल आता है सन का, जो कि इक्वल होता है 10 थीटा के। सन जैसे जैसे घटता रहेगा एंगल मेरा घटता रहेगा, सन डाउन होगा घटता रहेगा। यहाँ पे हमें बोला गया है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज इंक्रीजिंग, छाया की लंबाई देखो पहले इतनी थी, सन डाउन हुआ छाया की लंबाई और बढ़ गई, सन और डाउन हुआ छाया की लंबाई और बढ़ गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, लेकिन जो एंगल होगा यहाँ पे वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, एंगल पहले 60 था फिर 45 हो गया, लेंथ ऑफ शेडो तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बट जो एंगल हो रहा है वो कंटिन्यूली डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मैंशन कर रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड, हाइट ऑफ टावर, जो हाइट ऑफ टावर होती है उसमें लेंथ ऑफ शेडो का डिवाइड देने पर हमारा जो एंगल बनता है ये निकल के आता है। ठीक, तो 10 थीटा विल बी डिक्रीज एज द लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज, जैसे जैसे लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीज होती जाएगी जो एंगल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। सो द गिवन ऑब्जर्वेशन इज अ फॉल्स, तो हमें जो गिवन स्टेटमेंट है कि भाई एंगल बढ़ेगा, एक्चुअल में वो गलत है, एंगल हमारा कंटिन्यूली डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया, इफ अ मैन स्टैंडिंग द डेक ऑफ अ शिप 3 मीटर अबोव द सर्फेस ऑफ सी ऑब्जर्व अ क्लाउड एंड इट रिफ्लेक्शन इन द सी, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा पानी हो गया समुद्र का, ठीक है, यहाँ पर एक जहाज है पानी का,
मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मैं बना देता हूँ कि हमारा पानी का जहाज हो गया। अब इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कुल मिलाकर 3 मीटर की ऊंचाई पर है ये। अब यहाँ से क्या करता है, ये एक बादल को देखता है, तो बादल को देखने पर ये बनता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी आंखों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ये बनता है, इसे मान लेते हैं θ1। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो पानी के अंदर बनेगा, ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये इस रिफ्लेक्शन को भी देखता है, इसके बीच में ले लेता हूँ, इसकी हाइट हो जाएगी। अब ये इसको देखता है रिफ्लेक्शन को, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एंगल बनेगा, इसे मान लेते हैं θ2। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बादल का एंगल ऑफ एलिवेशन था θ1 इक्वल होगा θ2 के, क्या ये बात सही है या गलत है, ये बात हमें पूछी गई है, ठीक। याद रखना, जो बादल का रिफ्लेक्शन होता है जितनी ऊंचाई पर पानी के ऊपर होता है उतनी ऊंचाई पर पानी के नीचे होता है, दोनों की हाइट क्या रहती है, सेम रहती है। बट इस केस के अंदर क्या हुआ है कि अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारा ये वाला बन रहा है, तो हाइट कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। अब इसका जो एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, इस साइड का एंगल बन रहा है, देखो इसका जो एंगल है वो इस साइड का है और इसका एंगल इस साइड का है। अगर दोनों की हाइट ही अलग अलग है तो एंगल भी डेफिनेटली क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है जितनी भी होगी, मान लो कैपिटल एच है और इसकी जो हाइट है स्मॉल एच है, क्या ये दोनों इक्वल है? अगर ये हाइट इक्वल नहीं तो एंगल इक्वल नहीं हो सकता। दो चीज़ों का एंगल तब इक्वल होगा जब उनकी हाइट सेम हो। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 10 मीटर ऊंची टावर है, दूसरा भी 10 मीटर ऊंचा टावर है, तो अब इनका जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सेम होगा, ठीक है, θ1 θ2 का। लेकिन अगर यहाँ पर टावर 10 मीटर की बजाय यहाँ पे 20 मीटर दिया होता, तो अब यहाँ पर अगर यही टावर 10 की बजाय 20 मीटर ऊंचा होता, अब दोनों के एंगल में फ़र्क देखो, यहाँ एंगल बड़ा बनेगा, यहाँ एंगल छोटा बनेगा। हाइट सेम होगी तो एंगल सेम होगा, हाइट अगर ज़्यादा होगी 10 की बजाय 20 होगी या जो भी हो, इससे 1 मीटर भी ज़्यादा होगी तो एंगल डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा। अब ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, देखो एंगल का डिस्टेंस देखना है, इसकी हाइट का और इसकी हाइट का, दोनों अलग अलग है, तो ये जो मेरा थीटा होंगे ये भी क्या होंगे, डेफिनेटली अलग अलग ही होंगे। तो जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि फ्रॉम द फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस इज अ मच मोर देन द डेप्थ, ठीक है, यानी कि जो ये हाइट दे रखी है, या कि सरफेस से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, ये कैपिटल एच में लिया मैंने, ये स्मॉल एच लिया, ये इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है ऑफ क्लाउड इन द लेक, सो द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 विल नॉट बी एंगल, θ1 एंड θ2 will not be angle, यानी कि जो दो एंगल होंगे दोनों इक्वली एक दूसरे के नहीं होंगे, hence the given statement is not correct, जो गिवन स्टेटमेंट होगी हमारी वो करेक्ट नहीं होगी। अगर हाइट के हिसाब से देखा जाए, अगर इस साइड का देखा जाए तो एंगल यहाँ पर बनना चाहिए था इसका एंगल, जबकि एंगल क्या ये है, तो इस साइड का ये थीटा एंगल नहीं हो सकता, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।